केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज किया। इस दौरान यूपी के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ की करीब 292 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस भव्य आयोजन में तकरीबन 300 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों को हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी। वहीं सीएम ने अमित शाह के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। योगी ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश के 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निवेशक का स्वागत करेगा और उन्हें हर प्रकार की उस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा जो हमने पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया है, या हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ घोषणाएं की हैं। प्रदेश सरकार उन घोषणाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, शासन की नीतियों के अंतर्गत उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आज के इस द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है और खास तौर पर देश के यशस्वी गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रथम आगमन प्रदेश की राजधानी में इस रूप में हो रहा है आज में इस अवसर पर, और उत्तर प्रदेश वासियों को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को आपके द्वारा यहां पर प्रदान किया जा रहा है। यानी 65,000 करोड़ का मतलब 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इन निवेश के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है। मैं इस अवसर पर आपके प्रति हृदय से एक बार अपना आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वहीं इस खास मौके पर योगी ने पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस तरह का सम्मेलन कर उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दिया था। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में अब गृह मंत्री अमित शाह का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ था। उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास से संबंधित जो यात्रा प्रारंभ की, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिले हैं। इन्वेस्टर समिट के 5 महीने के अंदर ही हमारे पास 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन तब भी हमें इसी स्थान पर प्राप्त हुआ था। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि जब एक वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के बाद के द्वितीय इस निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कार्रवाई संपन्न कर रहा है, आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री के रूप में अपनी शानदार पारी की शुरुआत कर रहे आदरणीय अमित शाह जी का आगमन और उनका मार्गदर्शन न केवल सरकार को अपितु उत्तर प्रदेश की जनता को यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की कामकाज की शैली की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि यूपी में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया था। उन्होंने कहा कि योगी ने सभी अधिकारियों को अब नेताओं के बजाय जनता का सेवक बना दिया है। सबसे बड़ी बात की पारदर्शी प्रशासन देने की,
उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन का राजनीतिकरण इतना हुआ था कि जिसके कारण पारदर्शिता कहीं दूर दूर तक नहीं गई। फोकस ही प्रशासन का, प्रशासन पर न रहते राजनेताओं को खुश करने में रहता है। मैं कोई सरकारों के नाम देना नहीं चाहता, मेरा भी बहुत लंबा अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र का, मगर उत्तर प्रदेश में प्रशासन का जितना राजनीतिकरण हुआ था योगी आदित्यनाथ ने 2 साल के अंदर ही उनको राजनेताओं के सेवक की जगह जनता के सेवक करने का काम किया। गवर्नमेंट सर्वेंट शब्द जो था, गवर्नमेंट मींस नॉट पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट मींस जनता, ये परिवर्तन बड़ा लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का आवंटन यूपी को किया है, जबकि 13वें वित्त आयोग में केवल 3 लाख करोड़ रुपए ही यूपी को मिले थे। कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ भारत सरकार भी यूपी के विकास के लिए इतनी ही कटिबद्ध है जितनी उत्तर प्रदेश। मैं थोड़ा अंतर आपको, 13 फाइनेंस कमीशन जब आया, 13 फाइनेंस कमीशन आया तब उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा भूभाग, 13 फाइनेंस कमीशन ने उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के खजाने से 3,30,000 करोड़ अलग 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 हेड्स के दिए दिए, 3,30,000। और नरेंद्र मोदी सरकार आई, 14th फाइनेंस कमीशन आया और 14th फाइनेंस कमीशन ने 3,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,80,612 करोड़। तो शाह ने एक बड़ी अहम बात भी इस मौके पर कही। उन्होंने कहा कि अगर पीएम बनने का रास्ता लखनऊ से जाता है तो देश के $5 trillion की इकोनॉमी बनने का रास्ता भी यूपी से ही जाता है। 16 साल का था तब से कि प्रधानमंत्री बनना है तो उसका रास्ता लखनऊ होकर था। अटल जी भी बने, नरेंद्र भाई भी बने, उत्तर प्रदेश से ही बने। नरेंद्र भाई वाराणसी से सांसद, और ये बात सही थी, 80 सीटें हैं, पहले 50 ही हुआ करती थी, अब 80 है। तो देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता था, मगर मैं आज कहना चाहता हूं $5 trillion की इकोनॉमी का रास्ता भी लखनऊ होकर जाता है, और इसमें $1 trillion का कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित। इस मौके पर शाह ने सीएम योगी के बारे में रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं था, योगी ने तो कभी म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई थी। इनके चयन पर लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन पीएम मोदी निष्ठा और परिश्रम के मानक पर योगी जी के हाथों में यूपी का भाग्य सौंप दिया। उन्होंने कहा कि आज हमें अपने उस फैसले पर संतोष है। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका इस प्रदेश की महान जनता ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने नेता के रूप में आज के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चयन किया, और तब काफी लोगों के मुझ पर फोन आए थे। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई है, तो वास्तविकता थी, नहीं चलाई थी। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे, योगी जी सन्यासी हैं, पीठाधीश हैं, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव 0 के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 को योगी सरकार बहुत ही बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।